गाइस यहाँ से कि कितना गिरा है गाइस नीचे तक, बहुत ज़्यादा स्लाइड स्लाइड। तो गाइस आप देख सकते हैं अभी मेरा चप्पल टूट गया था, अभी हमने जोड़ दिया यहाँ पे इस रोड पे, ये हालात है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, और बहुत दिनों बाद ऐसा ब्लॉग डाल रहा हूँ गाइस। और गाइस बीमार हो गया हूँ तो ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ, तो आज मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। आज इसमें हम आपको बताएंगे कि जो हमारे गांव का रोड है उसके कैसे हाल हो चुके हैं बारिश के कारण। अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश लगी है और पार देख सकते हैं आप गाइस जंगल में। तो चलिए गाइस चलते हैं, मैं आपको रोड दिखाता हूँ खैर गांव का। तो गाइस यहाँ से भी रोड घिर चुका है, यहाँ से देख सकते हैं आप गाइस। ओ भाई पूरा ही नीचे गिर गया यार रोड यहाँ से। तो यहाँ से अभी रोड स्टार्ट हुआ है गाइस और यहीं से गिर गया है, और यहाँ से क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो गया है। चलो हम क्रॉस करते हैं इसको। ओ भाई ये यार तो पूरा पानी की तरह है। तो गाइस रोड काफी ज्यादा स्लाइड हो गया है यहाँ पे, आप पीछे तरफ देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ देख पा रहे हैं आप रोड के हालात, ये यहाँ से भी स्लाइड हो गया और यहाँ नीचे देख सकते हैं गाइस आप। यार वाह इसमें तो मजा ही कुछ और है चलने का भाई। भाई यहाँ से बहुत स्लाइड हो रहा है गाइस, यहाँ देख सकते हैं आप काफी स्लाइड हुआ है मेरे पीछे देख सकते हैं, और यहाँ नीचे को भी स्लाइड हुआ है यार। यहाँ देखिए भाई गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पे भाई साहब क्या स्लाइड है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना लैंडस्लाइड हो चुका है, पूरे रोड में आ चुका है ये पानी, और नीचे बहुत ही खतरनाक रास्ता बन चुका है। ओए यार शिट और टी शर्ट के बुरे हाल हो गए लगता है, कीचड़ आ गया है पूरा ही ऊपर, रोड का नुकसान तो लगी नुकसान। पहाड़ी इलाकों पर ऐसा होता है, देखिए रोड पूरा ब्लॉक हो चुका है, गाड़ी का आना बिल्कुल बंद हो चुका है गाइस। यहाँ पे लग चुका है अभी सेब का सीजन, तो सेब के सीजन में गाड़ी नहीं आ पाएगी, अब नहीं आएगी यहाँ पे गाड़ी। तो गाइस जो अभी क्या कर सकते हैं, वो है तो क्या हूँ मैं, अंदर मत घुसती उसमें यार। जब आप आए थे उस टाइम था ये, हाँ राम से आ गया। गाइस यहाँ से कि कितना घिरा है गाइस नीचे तक, बहुत ज्यादा स्लाइड स्लाइड। गाइस देख सकते हो आप पूरा गिर चुका है पहाड़ी रोड का, ये देखिए गाइस जो खेतों का नुकसान भी काफी हो गया है यहाँ पे ऊपर, देख सकते हो आप खेत का जो निचले वाला हिस्सा है वो सारा यहाँ पे रोड की तरफ गिर चुका है, और देखिए अभी लैंडस्लाइड हो रही है। तो जो पहाड़ी रोड होते हैं गाइस
आपको तो पता है पहाड़ी रोड में ये हालत होती है। तो जो ये तो चलो गांव का रोड है गाइस, जो मेन रोड होता है वो भी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं लैंडस्लाइड हो रही है। वहाँ पे तो मशीनें एकदम से काम करती है लाइव। देखिए गाइस कहाँ तक पहुँच गया है, क्या लैंडस्लाइड हुई है। सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई है शायद इस रोड में। ये रोड आता है गाइस रहाणू पंचायत उट्टू गांव के ऊपर, खलैर गांव आता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है उट्टू गांव, ये पूरी जो पंचायत है इधर की, जो ये रहाणू पंचायत है गाइस। देखिए गाइस क्या खतरनाक लैंडस्लाइड हुई है, इतना पहले नहीं था। जब से बारिश हुई है ये पूरी की पूरी लैंडस्लाइड हो गई है। ये मतलब पूरा रोड ब्लॉक है। ये देखिए जो ये लैंडस्लाइड हुई है, ये ऊपर से कंटिन्यू ऊपर है रोड तक लैंडस्लाइड। मतलब ये रोड के बुरे हाल है। यहाँ पे मशीन की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए गाइस ये जो पेड़ है ये पूरा नीचे आ गया है गाइस। इससे थोड़ा एक फ़ायदा भी है रोड के लिए, जो ये नया रोड था तो इसमें जो खेत की ऊपरी साइड से जो इसकी निचले वाली साइड है ये गिर रही है हर जगह। यहाँ देखो हर जगह गिर रही है, तो इसका थोड़ा सा फ़ायदा है रोड के लिए। तो ऊपर से तो गिर रहा है वैसे, और उसके बाद मशीन जब आएगी तो उसको पूरा साफ करेगी और फिर थोड़ा रोड और ज़्यादा खुला हो जाएगा, ये भी फ़ायदा है। वहाँ देखिए गाइस मिस्टर ब्लॉगर जी, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे लैंडस्लाइड नहीं है। तो यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे भी लैंडस्लाइड हो गया है इनके एक घर के पास से लैंडस्लाइड, छोटी मोटी लैंडस्लाइड हो रही है गाइस। यहाँ से पूरा घिरने वाला है, देख सकते हो आप गाइस। तो ऐसे में आप घर पे सेफ रहे बरसात के टाइम में। उधर देख सकते हो, उधर भी काफी ज्यादा लैंडस्लाइड हुई है गाइस। यहाँ पे भी एक लैंडस्लाइड हुई है, ऊपर से पूरा नीचे तक, यहाँ रोड तक कफा हो गया है। क्योंकि इस रोड में इसीलिए ज्यादा लैंडस्लाइड हुई है क्योंकि ये फिलहाल अभी नया रोड है, तो अभी इतना पक्का नहीं हुआ है, तो जाके यहाँ पे थोड़ी लैंडस्लाइड तो होगी। और यहाँ पे हम आगे जाएंगे, आगे तो और ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे एक नाला निकल गया एक, यहाँ पे जो बरसात के टाइम में है कहीं भी छोटे छोटे नाले निकल रहे हैं कहीं से, क्योंकि जो बारिश का पानी होता है गाइस तो वो हर कहीं ज़मीन के नीचे होता है, तो ज़मीन के नीचे निकल जाता है। यहाँ देख सकते हो आप, हर कहीं से निकल रहा है, बरसात के टाइम है यही होता है। यहाँ से रोड काफ़ी अच्छा है आगे तक, यहाँ से एकदम पक्का है ना। यहाँ से जो इधर जो मिट्टी है पक्की मिट्टी है, तो यहाँ से उतनी लैंडस्लाइड वगैरह मतलब कुछ गिरा विरा नहीं है। अब आगे जाके बताएंगे आपको ये रोड कहाँ जाता है। देखिए ये सबसे भयानक लैंडस्लाइड लग रही है मुझे। यहाँ देखिए आप, चट्टान कितना बड़ा है और इतने बड़े बड़े पत्थर गाइस। ये देखिए एप्पल का पेड़ है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा इधर लैंडस्लाइड हो जाती तो ये पत्थर वगैरह नीचे आ जाते तो सेब का नुकसान हो सकता था। ये यहाँ पे तो एक पेड़ गिर गया है भाई पूरा, जो कि आप देखिए गाइस यहाँ पे थोड़ा खींच के जो निचले वाली से यहाँ पे भी गया है, तो यहाँ पे थोड़ा रोड खुला हो गया है। खेत गया है भाई, जिस बंदे का खेत गया ना भाई, एक पेड़ दूजा पेड़, ये गया है। देखिए यहाँ कितना अच्छा पानी निकल रहा है, नाले निकल रहे हैं। ये जो खेत है गाइस ये पूरा गया है यहाँ जिसका भी है, तो भाई ये तो गया है चला गया। ये तो जैसे रोड निकाला था, तो गाइस यहाँ से थोड़ा इस खेत में कटिंग करी थी नीचे, तो अब पूरा आ गया है।
यहाँ देखिए रोड काफी खुला है यार, तो गांव ठीक है रहणु पंचायत यहाँ पे देगी, ये सामने उट्टू गांव, ये अभी आधा दिख रहा है इसको पूरा पीछे से दिखाने का। ठीक है गाइस यहाँ पे तो भाई साहब इसको क्या बोलेंगे हम, नाला आ चुका है ये, ये तो खड्ड बन गया है, खड्ड खड्ड बन गया है ये गाइस। ये देखिए कभी मैंने तो सोचा ही नहीं था यहाँ से नाला आता है भाई, यहाँ से तो पानी की एक बूंद भी नहीं आती थी, आज यहाँ पे गाइस नाला ही आ गया पूरा भाई, गजब बेइज्जती है। गाइस देख सकते हो आप भाई 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 ये नाला है गाइस, ओ माय गॉड भाई का पैर अंदर घुस गया है गाइस, भाई ये क्या है भाई, ये आखिर पानी आ कहां से रहा है, पहाड़ों से भाई बोल रहे हैं इधर नहाने का भाई। तो गाइस मैं आपको बता दूं जो है नदी नालों से इतना सारा पानी आ रहा है ये जाता कहाँ है, ये जाता है बड़ी बड़ी नदियों में, जितने भी आर पार से नाले निकल रहे हैं गाइस जो ये सारे नाले ये जाएंगे गाइस सतलुज नदी में। ओके तो आपको पता है सतलुज नदी का क्या हाल होगा, बहुत ही डेंजरस। ओके गाइस यहाँ से भी रोड गया है, मतलब रोड के बुरे हाल है भाई, मैं तो बोलता हूँ मशीन को शायद काफी टाइम लगेगा, ये देखिए ये तो गया भाई पूरा, ये हाल है भाई, यहाँ से भी जाने वाला है मेरे को लग रहा है भाई साहब। शुक्र से यहाँ से किसी ने मेहनत से रोड को यहाँ पे कुछ चेकडम वगैरह दिए हैं, उधर देख सकते हो आप इस तरह से चलना पड़ रहा है, यहाँ पे जो पूरी पूरी मिट्टी का दशा आ गया पूरा यहाँ पे भाई साहब, लोग कैसे कैसे जा रहे हैं यहाँ से, देखिए आगे देखिए भाई मेरे जो पाँव हैं वो पूरे गंदे हो गए गाइस, यहाँ देखिए यहाँ से कितना स्लाइड हो गया, बहुत ही ज्यादा लैंडस्लाइड हो गया गाइस यहाँ पे, मशीन को यहाँ पे एक दिन लग जाएगा, मशीन को क्या पूरी महीना ही लग जाएगा पूरे रोड में, फिलहाल यहाँ चला नहीं जा रहा है चप्पल से, ऊपर से पूरा स्लाइड हो रहा है गाइस, यार यहाँ से गिर भी सकते हैं। निकलो जल्दी निकलो यहाँ से, गाइस जल्दी यहाँ से चप्पल से, एक तो मेरी चप्पल निकल गई है, इसको धोना पड़ेगा पहले ही, चप्पल तो ठीक हो जाए। गाइस देख सकते हैं आप यहाँ कितना पानी आ गया, हमारे खड्ड में समझो, गंदा भी है हाँ गाइस, बहुत ही ज्यादा तगड़ा पानी आ गया है, ये देखिए गाइस ये नीचे आ रहा है रोड से, लगता है यहाँ से ये ब्लॉक हो जाएगा, ओ माय गॉड, ओरे ऐसे इधर, ओ भाई आगे आगे, ओरे भाई ये ओह।
माई गॉड, ओ ओ भाई पत्थर नीचे चला गया और ये अनब्लॉक हो गया यहाँ पे रोड। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और क्या बोलूँ, और शेयर कर दें गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।